अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बहुत पहले, तकरीबन 5-6 घंटे पहले, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है ताकि उनका जो आज का दिन है वो वेस्ट ना हो और अपने नियरेस्ट नर्सिंग कॉलेज में जाके जो है वो इसकी करेक्शन करवा लें। तो चूँकि बहुत स्टूडेंट्स को अभी पता ही नहीं चल पा रहा कि आया कि हम रिजेक्टेड हैं नहीं हैं और लिस्ट को कैसे डाउनलोड करें, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ मज़ीद कि वो किस तरह देख सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास एक दिन मौजूद है वो नियरेस्ट नर्सिंग कॉलेज में जाके अपनी करेक्शन करवा सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने PNS की वेबसाइट पर जाना है जहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी। होम पेज के ऊपर ही उन्होंने जो है वो शो किया हुआ है कि रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लें। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी, और फिर आप वहाँ पे अपना नाम जो है स्टूडेंट्स को इशू होगा कि वो अपना नाम कैसे सर्च करें। ये भी एक इशू है, बहुत से स्टूडेंट को तो पता होगा कि हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं ये लैपटॉप में जिस तरह मैं कर रहा हूँ सर्च, आप जब अपना नाम सर्च करेंगे तो आप जितने भी उस नाम के लोग होंगे लिस्ट में वो सामने आ जाएंगे, ठीक है, आप ईज़िली देख पाएंगे उनको। सिमिलरली मोबाइल के अंदर भी सर्च का ऑप्शन होता है टूल्स में जाके, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपना नाम, तो आप अपना नाम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं पूरी लिस्ट में। आपने करना क्या है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लीजिएगा और साथ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का एक सेट लीजिएगा, और रेलिवेंट जो है नर्सिंग कॉलेज जाइएगा, जो नियरेस्ट आपका नर्सिंग कॉलेज हो वहाँ जाना है और वहाँ जाके आपने उनको इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग द लिस्ट के मेरा ये इशू आ रहा है, तो वो आपकी करेक्शन कर देंगे। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह हम लोगों ने चेक करना है और फिर हम लोगों ने क्या स्टेप लेना है। फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको कोई इशू आ रहा हो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर, और जो है वो टाइम रहते हुए अपना जो काम है वो कंप्लीट करें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो और आपका जो है एडमिशन जो है वो सिक्योर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।